क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला इंदिरा कॉलोनी में मंदबुद्धि नाबालिग के दुष्कर्म का प्रकाश में आया है। परिजनों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई, वहीं पुलिस ने नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कॉलोनी के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि रात्रि लगभग 5:30 बजे दो बच्चों का पिता आरोपी उससे बहला फुसलाकर ले गया तथा लगभग 8:30 बजे जब वे बच्चे को ढूंढ रहे थे तो लगभग 16 वर्षीय मंदबुद्धि बालक उदास सा आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो पूछे जाने पर किसी भय के मारे बच्चे ने कुछ नहीं बताया तथा सुबह अपनी माता को आपबीती सुनाई, तब पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने कार्रवाई कर बच्चे को मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया है। जांच अधिकारी एएसआई बलदेव सिंह ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी से मंदबुद्धि से दुष्कर्म का मामला आया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा कॉलोनी का जो मामला आया है लड़के से दुष्कर्म का, क्या मामला है ये? ना कल भी एक दरख्वास्त आई थी लेकिन उन्होंने पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया, लेकिन जो ये बीती रात को ना जो मदई है प्रवादी सुखपालपुर, उसको बच्चे ने बताया मेरे साथ गलत काम हुआ है, जो उसकी स्टेटमेंट पर आज पर्चा दर्ज किया है और उसका नाबालिग बच्चे का मेडिकल करवाने जा रहे हैं, उसके बाद मुलजिम को चलो गिरफ्तार कर। टोहाना से जाट टीवी न्यूज़ के लिए सुशील सिंगला की रिपोर्ट।